नमस्कार दोस्तों, माँ का खजाना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पेशल सिंघाड़े की बर्फी लेके आई हूँ। और जन्माष्टमी में आप श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाइए और व्रत में भी आप इसको खाइए तो बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। तो चलिए बनाते हैं। दोस्तों मैंने कढ़ाई चढ़ा दी और उसमें मैंने 3 चम्मच जो है देसी घी डाला हुआ है, क्योंकि सिंघाड़े का आटा भूनने के लिए घी ज्यादा जरूरत होती है। और बढ़िया घी में आप पंजीरी अगर भूनते हैं तो बहुत बढ़िया आपकी जो है महक बहुत अच्छा आएगा, इसलिए थोड़ा सा घी डालिए और अच्छे से इसको भूनिए। व्रत का आप बना रहे हैं तो आप देसी घी यूज करिए और ऐसे करते हुए खूब अच्छे से इसको भूनेंगे। हम गैस को मीडियम रखेंगे या धीमा आप कर सकते हैं, आपका जलने लगे तो करते हुए। ये सिंघाड़े का आटा की जो है बहुत जल्दी ये भून जाता है और अगर गैस तेज रखेंगे तो बहुत जल्दी जलने का भी डर होता है, इसलिए आप गैस को धीमा ही रख करके आप जो है इस तरह करते हुए खूब अच्छे से इसको भूनिए। दोस्तों देखिए ये हमारी पंजीरी भून गई, बहुत जल्दी भून जाती है और देखिए भून गए। अब हम इसमें जो है जो कटोरी से मैंने एक सिंघाड़ा लिया था आधी कटोरी हम इसमें चीनी डालेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिलाते हुए चलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे पानी। इसमें पानी दोस्तों पर ज्यादा पड़ता है क्योंकि सूखता भी है थोड़ा सा। अगर कम पानी डालेंगे तो जो आप हलवा बनाएंगे बर्फी बनाएंगे तो वो हल्का सा कड़ापन रहेगा, तो बर्फी को सॉफ्ट लाने के लिए जो है थोड़ा पानी आप इसमें ज़्यादा डालेंगे। और इस समय आप गैस को थोड़ा तेज कर लेंगे और इस तरह आप करिए कि बिल्कुल इसमें गुठली ना पड़े एक भी। जितनी गुठलियाँ अगर आपकी पड़ रही हैं तो उन गुठलियों को आप बिल्कुल रखेंगे। अब देखिए ये सूख गया है तो अब इसी दिन थोड़ा सा हम घी और हम डालेंगे, 2 चम्मच घी और डाल देंगे ये जैसे खूब अच्छे से, क्योंकि दोस्तों जब ये हम लोग सिंघाड़े का हलवा बनाते हैं इसमें घी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लगती है और खाने में लेकिन बहुत ही पौष्टिक होता है। आप इसकी चाहे हलवा बनाए चाहे इसका बर्फी बनाए, हम आज मैं इसकी बर्फी बनाऊंगी सिंघाड़े की। और आप ये बच्चों को भी आप खाने को दीजिए तो सिंघाड़ा बहुत ही फायदा करता है। दोस्तों देखिए अब ये तल छोड़ने लगा तो इसका मतलब ये हमारा हलवा बहुत अच्छे से हमारा पक गया है। देखिए कढ़ाई हमारी छोड़ने लगी, अब हम इसको जमाएंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। ये प्लेट लेके इसमें मैंने देसी घी डाला हुआ है, क्योंकि व्रत का बन रहा है इसलिए हर जगह देसी घी यूज करेंगे और इसको ऐसे पूरा फैला देंगे। अब इसके बाद इसमें हम और ऐसे हम ये इसको इसमें गिरा के अब इसको हम ऐसे स्पैचुला से बढ़िया आराम फैला देंगे पूरे में। इसमें इतना घी पड़ा हुआ है कि ये खुद ही जो है अपने में ये बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए सेब चौकोर में आप जमाइए चाहे गोल में जमाइए, जैसी आपकी इच्छा ऐसे बर्फी आप इसको। और दोस्तों अगर आपसे स्पैचुला से आप नहीं कर पा रहे हैं तो हाथ से भी आप ऐसे हल्का ठंडा हो जाए तो इस तरह करके आप बराबर एक साइज का पूरा बना सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी बर्फी काटेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ी सी गरी का बूरा हम ऐसे फैला देंगे और उसके बाद इसको अच्छे से हम इसको इसके अंदर भी आप हलवा के अंदर भी गरी सारे आप मेवे वेवे खूब अच्छे से डाल करके आप बना सकते हैं। दोस्तों देखिए ये जम गया है, अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे और आराम से इसके पीस देखिए खूब आराम से कटते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया स्मूथली हमारी चाकू चल रही है, ये देखिए। और ऐसे जैसे पीसेस आपको चाहिए वैसे तिरछे आप पीस निकाल के आराम से ये काट सकते हैं। देखिए कितना स्मूथली बना है और अभी मैं निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए तुरंत उठता चला आ रहा है, कितने अच्छे पीस ये बनके हमारे ये देखिए तैयार हो रहे हैं। तो ये देखिए दोस्तों इस तरह ये बना करके आप भगवान को भोग लगाइए।
तो देखिए हमारा ये सिंघाड़े की बर्फी तैयार हो गई है, तो आप इस तरह अपने घर में बनाइए और भगवान जी का भोग लगाइए। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिए, अधिक अधिक शेयर करिए और मेरे माँ के खजाने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि जैसे आपको नई नई रेसिपी मैं लाती रहूँ। जय श्री कृष्ण दोस्तों, हैप्पी जन्माष्टमी।